तो ये वीडियो पूरी देखने से पहले आपने मेरा चैनल करना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि दिन के बज रहे हैं 12:30 दिन के या सुबह के मुझे नहीं पता, कि मतलब मिड के बज रहे हैं अभी 12:30। तो सीन ऐसे हैं कि आज मेरी मैम जो है मुझे पिक करने नहीं आ रही, बिकॉज़ लड़कियों की जो है आज मीटिंग है, ऑफिस मीटिंग, जिसमें मैं नहीं आती बिकॉज़ मैं पहले अटेंड करके आ चुकी थी। तो अब मुझे जहाँ जाना है, जॉब पर जाना है, तो वहाँ मुझे अकेले ही जाना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मंथ का मिड चल रहा है, तो जेबें तकरीबन खाली हैं, क्योंकि रोज़ ना रोज़ हमारा इतना खर्चा होता रहता है। तो लाइक अभी जब हम जो जॉब पे जाना है, तो उसके लिए मुझे इन ड्राइव या उबर बुक करवानी पड़ेगी। लेकिन मैंने सोचा कि यार इन ड्राइव या उबर बुक करवाती हूँ तो उनका फेयर सेम ही आ रहा है। इन ड्राइव में ये था कि लाइक पहले बहुत ये लोग अच्छा, हम लोग सेटिस्फाई थी मैं इन ड्राइव से, लेकिन अब ऐसा है कि इन ड्राइव का भी फेयर जो है तकरीबन उबर जैसा ही है। तो गाइस मेरे पास आज इतनी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हूँ। आई नो कि इसमें थोड़ी बहुत खुआरी है, लेकिन आपको अपनी जेब देखनी है और अपना बजट देखना है, तो थोड़ी बहुत खुआरी तो आपने उठानी पड़ेगी और ये स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है भाई। अच्छा तो तकरीबन मैं फ्रेश हो गई, मैंने नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है, तो अभी मैंने जस्ट अबाया पहनना है और जाना है। यहाँ से मुझे सबसे पहले करना है पब्लिक ऑटो, जिसमें तकरीबन और भी लोग होते हैं कुछ, और मैं भी, तो बहुत कम टाइम में आपको मतलब मुझे एक जगह जाना है आगे से, फिर उसके बाद मुझे एक बस में बैठना है। तो गाइस चलते हैं अब थोड़ी सी ख्वारी उठाने। मतलब आपको जहाँ जाना होता है वहाँ पर पहुँचा देती। मेरे घर से लेकर यहाँ तक का 20 मिनट्स का डिस्टेंस है, और अगर मैं यहाँ से कोई कैब बुक करती तो लिटरली मेरे 500 रुपये तो कहीं नहीं गए। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा और सामने दूर जाना है, वहाँ भी मुझे पकड़ना है, फिर वहाँ से मुझे एक बस करनी है, फिर उस बस में भी लिटरली आप यकीन करें बहुत कम पैसे दे रहे हैं और वो मुझे वहाँ तक पहुँचा देते। शुक्रिया। तो यहाँ से मुझे एक बस में बैठना है सीधा। भाई फाइनली थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं मुझे बस मिल गई है। यहाँ से 2 बसेस जाती हैं, लेकिन ये वाली बस थोड़ी खाली थी, तो दैट्स व्हाई मैं इसमें बैठ गई हूँ। और यहाँ से भी जो है मेरा बहुत कम रेंट लगेगा, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। क्या रेंट है, हाईपर का क्या किराया है? One hour later. तो finally guys, I am arrived. अगर मैं कैब यूज़ करती तो जस्ट 800 या 900 का मेरा फेयर बनता, और जस्ट 110 रुपीज़ का फेयर बना मेरे घर से लेकर यहाँ तक, और इतनी ख्वारी भी नहीं हुई। लाइक मुझे सीट भी जल्दी मिल गई और बस ने जल्दी भी ड्रॉप कर दिया मुझे। अब जल्दी जल्दी मुझे तैयार होना है अंदर जाके, और 8 आवर्स की शिफ्ट यहाँ पर देनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर टाइम गुजारना, कभी टाइम स्पेंड ही नहीं होता कभी कभी।
तो यार तकरीबन 2 घंटे बाद मैं अपने ब्रेक पे आई हूँ, और आज के 2 घंटे इतने ज़्यादा बड़े लग रहे थे, और खाने में मैं इतनी मगन हो गई कि मैं भूल ही गई थी कि मुझे अपना व्लॉग भी बनाना है। और आज का व्लॉग यार इसलिए नहीं आया क्योंकि सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, और सुबह से पेंडिंग पे मेरा व्लॉग, जिसकी वजह से वो अभी तक अपलोड ही नहीं हो पाया। चाय पी लो गाइस। तो फिर 2 घंटे बाद मैं अपना आई हूँ, तो मेरी शक्ल आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, मेरी आ रही। तो गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि 2 घंटे बाद मैं अपने मिनी ब्रेक पे आई हूँ। सुबह से मुझे टेंशन ये है कि मेरा एक व्लॉग अपलोड नहीं होके दे रहा। परसों सीन ऐसा था कि पूरे दिन लाइट नहीं आ रही थी, आज ये है कि व्लॉग जब एडिट हो गया है तो अपलोड नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ी सी बातों में क्या लगी, हमने ने पूरा का पूरा बिस्किट निपटा दिया, और मुझसे पूछा भी नहीं कि तुमने खाना है कि नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ 2 बिस्किट बचाए मेरे लिए। तो गाइस मेरे तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से घंटे मारे जा रहे हैं। तो भाई आज के व्लॉग में जस्ट इतना ही था, तो आपने लास्ट में जाके व्लॉग विद नबिया को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।